तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर से तैयार होकर, लल्लू और मेहंदी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट लल्लू की शॉपिंग करने। तो लल्लू आई हुई है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। लल्लू की, हमारी लल्लू ये है। तो गाइज अब हम घर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम इस रास्ते से घूम के आए हुए थे। तो यहाँ पे बच्चे हैं अंदर से, भावेश और सिमी। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ से, और धूप लग रही है काफ़ी, सुबह सुबह का टाइम है लेकिन धूप काफ़ी है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साल में तो 4 खेती होती है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धान जो हैं 2-3 महीने में रेडी होंगे। तो यह है पीपल का पेड़। लल्लू आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। तो गाइज ये है हमारी दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लल्लू? घूमने। तो आज हम लोग जा रहे हैं लल्लू की शादी की शॉपिंग करने। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड थी ना, ये कितनी साफ हो गई। रुद्रपुर G20 हुआ तो रुद्रपुर चमक गया बिल्कुल। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप में, और यहाँ पे हम लल्लू के लिए देख रहे हैं ड्रेस वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें ट्राई कर, काफ़ी लहंगे हमने ट्राई कर दिए, 5-6 लहंगे। तो आप देखते हैं लास्ट में क्या पसंद आता है। तो हम सब शॉपिंग जो है हम यहीं से कर लेंगे, और कुछ बाद में भी करेंगे। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ से पूरी शॉपिंग कर ली है, और यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे प्राइस में आप लोग को लहंगा, साड़ी, सूट वगैरह जो भी चाहिए होगा, और शादी पर्पज़ कुछ भी चीज़, तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अभिनंदन साड़ी सूट वगैरह करके भैया की शॉप का नाम है। तो हम लोग घर आ गए हैं पूरी शॉपिंग करके, और मतलब बहुत अच्छा रहा आज का दिन हमारा, लेकिन थकान काफ़ी लग गई। कन्नू आ गई है स्कूल से, कन्नू खाना खा रही है। तो अब हम लोग खाना खा के डायरेक्टली सो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट में ही थे तो थकान बहुत ज़्यादा लगी है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हुए हैं आज। तो देखते हैं आज का व्लॉग कहाँ तक रहता है आज का हमारा। तो किचन में खाना आना हम लोगों ने सब कुछ खा लिया है। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, मार्केट से आके रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी थी। तो शाम का मौसम कुछ ऐसा है, आसमान में बादल भी हैं और आसमान बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि शाम तो हो गई है, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं आप अंदर की ओर। तो गाइस हम लोग बाहर लेके आए हुए हैं डुगू को, डुगू थोड़ा सा बाहर से घूम लेगा, तो उसके बाद हम चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस ये है कन्नू, और कन्नू के न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म, क्योंकि आप लोगों ने भी नहीं देखी थी व्लॉग में, मैंने अभी तक कन्नू की यूनिफॉर्म नहीं दिखाई थी। तो ये है कन्नू के न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि कन्नू के नए स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी है। तो गाइज मैं आई हुई हूँ अभी छत में, क्योंकि छत में थोड़े से कपड़े डाले, और लल्लू जो है नीचे है, दीदी भी नीचे ही है, क्योंकि अभी हम लोग नाश्ता वास्ता किया हम लोगों ने, कन्नू स्कूल चल लगी थी सुबह। तो मौसम कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी धूप है, क्योंकि गर्मी हो रही है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुबह शाम मतलब थोड़ा अभी उतना गर्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है। तो गाइस ये है लल्लू की जो हमने कल शॉपिंग की हुई थी, आधी और बची है, आधी हमने आज मतलब काफ़ी शॉपिंग करके आए, क्योंकि हमें पता था वो शॉप, तो हम लोग वहीं से शॉपिंग की। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा सामान जो था लल्लू का वो हमने पैक कर दिया है, क्योंकि आधा सामान और आएगा तो उसे दूसरे में पैक करेंगे। तो गाइस भैया ने कहा था कि मशीन को आज खोलना और देखना कि मशीन ठीक है, यहाँ जंग वंग लगा हुआ है। तो लल्लू को सिलाई आती है, तो लल्लू ने मशीन चेक की, और लल्लू ने ये एक नॉर्मली कपड़े पे सिला, तो मशीन सही चली है, लेकिन मशीन धीरे चली है, तो मशीन ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं।
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम, और सामने एक खाली प्लॉट है तो वहाँ पे बकरियाँ आई है, उनका हाथ और पाँव ना बांधा हुआ है क्योंकि वो भाग ना जाए करके, तो आप लोग देख सकते हैं। और मौसम आज का बहुत ख़तरनाक है क्योंकि पहाड़ों में तो हल्द्वानी वगैरह को बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो यहाँ का मौसम, यहाँ मतलब कल रात भी बारिश थी और आज का मौसम ऐसा है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बारिश कभी भी आ सकती है। Oh, oh, oh.